हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय सेल्फ दीपाली शाह एंड यू आर वाचिंग दीपाली मैम साइंस क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी. तो इस चैप्टर में हम लोग जो है वो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स जो हैं उसके बारे में देखेंगे. उनके सॉइल के डिफरेंट लेयर्स जो है वो किस बेस पे उनका नाम रखा गया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. तो ये सबसे पहले जो है हम लोग पहले ये देखेंगे कि सॉइल, व्हाट इज सॉइल. ठीक है, सॉइल क्या है? सॉइल जो है क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल क्या है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है. और इसको नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं? देखो, नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है और जिसका हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसका हम लोग मतलब उपयोग करते हैं. इसके बिना हम भी पॉसिबल नहीं है, या कोई भी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग आगे देखेंगे सॉइल प्रोफाइल. देखो, सॉइल जो है जिसका मतलब क्या है, मिट्टी. ठीक है, अब ये सॉइल जो है इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग, मान लो आप मिट्टी खोद के निकालोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े दिखते हैं. तो वो कहाँ पे रहते हैं, उनका जो एक हैबिटेट है वो कहाँ पे है, सॉइल है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो जो वाटर होता है उसका सीपेज जो होता है वो किसके थ्रू होता है, सॉइल के थ्रू होता है. जैसे रेन वाटर है, उस रेन वाटर जब बारिश होती है तो वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी जो है उसको क्या करता है, सॉइल जो होता है उसको नीचे की ओर अब्जॉर्ब कर लेता है. जिसके कारण जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है, मतलब कि अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे जो पानी है वो ख़त्म नहीं होता. अगर वो वाटर, मान लो कि हम जो पानी है वो कहाँ से निकाला जाता है, नीचे से, ज़मीन से खोद के बाहर निकाला जाता है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. अगर ये वाटर अगर नीचे रिचार्ज नहीं होता तो हम जिसको जितना यूज़ करते, अगर उसको यूज़ करते करते वो ख़त्म हो जाता तो हम उसको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाते, है ना. तो इसी से क्या होता है कि वाटर सीपेज के कारण ही जो वाटर टेबल है हमारे अर्थ के नीचे, मतलब जो ज़मीन पे, वो क्या है, रिचार्ज हो जाता है. ठीक है, इसके साथ जो हम फूड खाते हैं, हमारे लिए जो भोजन है, हमारा जो फूड है, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो भी हमें सॉइल से मिलता है. हाउ, आपको तो ये लग रहा होगा कि जो फूड है वो तो हम प्लांट से खाते हैं, तो यहाँ पे सॉइल का क्या काम है, है ना. बट क्या है, देखो कि जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, सोचो आप, ये प्लांट्स जो हैं वो सॉइल पे ग्रो करते हैं. अब वहीं से उनको वाटर भी वहीं से मिल रहा है और वहीं से ही उसको मिनरल्स भी मिल रहा है, राइट. तो अब जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ से वाटर को भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, देन वो क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं. क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट और क्लोरोफिल, इन दोनों के प्रेजेंस में वाटर और जो क्लोरोफिल, वाटर और जो वाटर के साथ ही इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये दोनों चीज़ें मिलके फिर फूड को प्रिपेयर करती है, है ना. तो इस फूड के प्रिपरेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं. इसके बाद वो फूड जो होगा उसको क्या करते हैं, चाहे हम ह्यूमन बीइंग उसको फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, चाहे वह दूसरे एनिमल्स जो होते हैं इस प्लांट्स को कंज्यूम करके अपने फूड की पूर्ति को पूरा करते हैं, क्योंकि उनको भी खाना चाहिए होता है. तो ये खाना भी उनको कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है. अब ये प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, मिट्टी में. तो अल्टीमेटली जो है वो, चाहे हम डायरेक्टली बोले चाहे इनडायरेक्टली, जो हो रहा है वो सॉइल पे ही डिपेंड कर रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे वाटर सीपेज, जो ये आपके एग्जाम्पल्स कुछ हो गए, साथ में कुछ एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो भी कहाँ से, या मेटल्स जो होते हैं वो कहाँ से बाहर निकाले जाते हैं. मेटल्स मीन्स कि जो लोहा है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो ज़मीन के नीचे से बाहर निकाले जाती है ना. तो ये भी क्या होता है, ये भी जो है वो सॉइल पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सॉइल से ही तो हम निकाल रहे हैं. तो इस तरह से ये सॉइल जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स होता है जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, राइट. तो अब हम लोग देखेंगे सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या है, देखो, सॉइल प्रोफाइल, जब मिट्टी को वर्टिकली जब उसको खोदा जाता है, ठीक है, जब किसी ज़मीन को वर्टिकली जब उसको खोदा जाता है ना, डिग आउट किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपको उसके डिफरेंट लेयर्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगी. तो ये डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं सॉइल के, इन्हीं को ही सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है, ठीक है. जैसे कि मान लो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इसमें जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है,
अब ये वाला जो ए हॉरिजोन है इसको क्या कहा जाता है, ए हॉरिजोन, जिसको टॉप सॉइल कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लांट्स जो है ये ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे प्लांट्स हैं मान लो छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी है, ठीक है, ये प्लांट्स हैं। यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो होगा इसको कहा जाएगा ओ हॉरिजोन, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो कि आपको पूरा डार्क पार्ट दिखाई देता है इसको कहेंगे हम लोग टॉप सॉइल, इसको कहा जाता है, इस सॉइल को कहते हैं ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल। ये टॉप सॉइल है जिसको ए हॉरिजोन कहा जाता है। इसके बाद वाला पार्ट जो होता है, इसके बाद वाले पार्ट को कहा जाता है सब सॉइल, जिसको कहा जाता है बी हॉरिजोन, राइट। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा जिसको कहा जाता है वेदरिंग रॉक फ्रैगमेंट्स, और इसको कहते हैं सी हॉरिजोन, राइट। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहा जाता है बेड रॉक, इसको कहा जाता है बेड रॉक, और इसको कहते हैं आर हॉरिजोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सब सॉइल है इसमें आपको क्या होगा, छोटे छोटे इसमें आपको स्टोन्स जो है या पत्थर जो है वो दिखाई देंगे। इसमें भी आप क्या देखोगे, इसमें भी वेदरिंग रॉक्स में भी आपको पत्थर दिखाई देंगे, बट ये वाला जो पूरा पार्ट होता है जो बेड रॉक होता है इसमें आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी क्या है। ठीक है, तो ये देखो इसके सॉइल प्रोफाइल के ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं। जो मेन जो पार्ट होते हैं वो क्या होता है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदरिंग रॉक और बेड रॉक, ये चार पार्ट हैं, ठीक है, जिसमें सब ए हॉरिजोन टॉप सॉइल को कहा जाता है, सब सॉइल को बी हॉरिजोन कहा जाता है, वेदरिंग रॉक फ्रेगमेंट्स को सी हॉरिजोन कहा जाता है, और जो बेड रॉक है उसको आर हॉरिजोन कहा जाता है। अब जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कहाँ देखते हो आप, कि हमारा जो हम जिस लैंड पे हम रह रहे हैं वो सबसे ऊपर वाले लेयर में ही जो है वो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, और यहीं पे क्या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहीं पे ग्रो करते हैं, ठीक है, यहीं पे मतलब उनका एक हैबिटेट भी यहीं पे है। जो अब देखो कि ये हो हॉरिजोन है जहाँ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहीं पे ह्यूमस का अमाउंट भी ज़्यादा होता है। टॉप सॉइल क्या है, इसका कलर जो होता है जब इसको मिट्टी को खोदा जाता है तो आप साइड से देखोगे तो टॉप सॉइल में क्या देखोगे, इसका कलर जो होता है वो डार्क होता है, और टॉप सॉइल के डार्क होने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। अब जो सब सॉइल है इसमें क्या देख रहे हो, इसमें भी आपको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आपको मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, इस बी हॉरिजोन में जो ह्यूमस होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है। जैसे जैसे नीचा होता जाएगा वैसे वैसे ही ह्यूमस की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते हैं। जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वो चीज़ों को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो डिकम्पोजिशन के कारण ही ह्यूमस जो होता है वो बनता है, फॉर्म करता है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं जिस कारण से यहाँ पे ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कलर जो होता है इसके कम टॉप सॉइल के कंपैरिजन में लाइट कलर हो जाता है, राइट। अब जो वेदरिंग रॉक है यहाँ पे आपको छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े मिलेंगे, ठीक है, मिट्टी भी होगी साथ में, बड़े बड़े थोड़े से पत्थरों के टुकड़े भी मिलेंगे जिसको क्या कहेंगे, सी हॉरिजोन कहेंगे। और यहाँ से ही क्या होता है, वाटर का सीपेज जो होता है वो यहीं से होते हुए आपको यहीं से इसी लेयर तक मिलेगा, जिसको वाटर टेबल कहा जाता है। वाटर टेबल जहाँ पे वाटर का सीपेज जो होता है यहीं पे आके स्टोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है इस सॉइल के थ्रू यहाँ पे पेनिट्रेट हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पे कोई प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो लेयर आप देख रहे हो जिसको बेड रॉक नाम दिया गया है, जिसको आर हॉरिजोन कहा जाता है, राइट। ये आर हॉरिजोन और बेड रॉक का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े पत्थर
के चट्टान या जो चट्टाने होती है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें वाटर पेनिट्रेट नहीं होता है। मतलब ये एक तरह से मान लो एकदम बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, आगे के रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं और इसमें किसी भी कोई भी चीज़ जो होती है वो पेनिट्रेट नहीं हो सकती, वो नीचे की ओर नहीं जा सकती। तो वाटर टेबल यही रीज़न होता है कि वेदरिंग रॉक फ्रैगमेंट्स जो सी हॉरिजॉन होता है वहीं पर वाटर टेबल का लेयर होता है, ठीक है, बेड रॉक में नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, ये सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये सॉइल प्रोफाइल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरा वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और भी आपको इंटरेस्टिंग कुछ सॉइल के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।